यूपी के कौशाम्बी जिले में बेरोजगारों का गुस्सा अब घर से निकलकर सड़क तक पहुंचने लगा है। इसकी वानगी उस वक्त देखने को मिली जब सरकारी नौकरी की बाढ़ जो रही युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। जिले के बेरोजगार युवा सेना भर्ती पुनः चालू किए जाने की मांग को लेकर मंझनपुर मुख्यालय जा धमकी। जिले के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा डायट मैदान से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बेरोजगार युवाओं ने आवाज बुलंद करते हुए सरकार से सेना में पीआरओ की भर्ती को पुनः खोलने की मांग। युवाओं ने बताया कि सेना भर्ती खुलने के इंतजार में उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, आयु सीमा अधिक होने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। बेरोजगार युवा डीएम से मिलकर अपनी समस्या बताने के लिए कार्यालय तक पहुंचे। डीएम के न मिलने पर युवाओं ने एडीएम मनोज कुमार से मुलाकात की। ज्ञापन के माध्यम से युवाओं ने कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण सेना में पीआरओ की भर्ती बंद है। हमारी मांग है सर, डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी भर्ती 2.5 साल से नहीं लगी है। हम युवा परेशान हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, हमारी एज जाती जा रही है और आज तक मतलब भर्ती लगी नहीं है। ओवर एज होते जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम डीएम साहब के पास मिलने जा रहे हैं तो हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। कौन सी भर्ती? इंडियन आर्मी सेना की भर्ती।